आप आइए घर पे, आपको चाय बनाऊंगा। इसमें तो डॉक्टर साहब पूरा नाखून बाहर आ गया। सुनिए आप, उसका पति पर तो घर आना चाहिए था पूछने के लिए कि भाई क्या हो गया। पूरी बार नमस्कार साहब, और भाग गए। राजस्थान में विधायकों को आलीशान फ्लैट्स दिए गए हैं। इन फ्लैट्स का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। विधानसभा के बाहर एक भव्य पांडाल बनाया गया जिसमें उद्घाटन किया गया। लेकिन चुनावी साल में नोकझोंक न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर तीखे निशाने साधे, क्योंकि उस कार्यक्रम में राजेंद्र राठौड़ मंच पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनके दोनों घुटनों में लगी है, लेकिन बीजेपी का एक भी नेता उनके आवास पर आकर उसकी कुशन सेम नहीं पूछता है, जबकि सार्वजनिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के खिलाफ कटाक्ष करते हैं। राठौड़ साहब, मैं आपको बता दूं कि मेरे दोनों अंगूठों में लगी है, एक अंगूठे का पूरा नाखून बाहर निकल गया है तो दूसरे अंगूठे के नाखून के तीन टुकड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पैरों में लगी हुई चोट को विस्तार से बताया। इसके साथ ही लगातार वो राजेंद्र राठौड़ की चुटकियां भी ले रहे थे। राजेंद्र राठौड़ अपने एक जो घर में शादी थी उसका इनविटेशन देने भी मुख्यमंत्री को गए थे। इस पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कटाक्ष करने से रुके नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जैसे आपने मुझे कार्ड दिया वैसे ही मैं नहीं आया, क्योंकि ना तो आप चाय पी के गए और ना नाश्ता करके, क्योंकि आप मेरे पुराने जानकार हैं, पुराने मित्र हैं, दो बातें कर लेते तो क्या होता। ऐसे में ये जो विधायकों के आवास का जो उद्घाटन था उसमें हंसी ठहाकों का एक माहौल तो बना, लेकिन साथ ही जो चुनावी साल में राजनीति की सरगर्मी है वह भी नजर आई। हालांकि इस सभी कटाक्षों के बाद राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंचे, उनका हालचाल पूछा, उनके अंगूठों की तरफ इशारा करते हुए उनकी कुशल क्षेम भी पूछी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो राजेंद्र राठौड़ पर कटाक्ष किया वो इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही बीजेपी के जो आला नेता हैं उनके खिलाफ भी थोड़ा सा जो उनका कटाक्ष का रुख है वह उभर कर सामने आ रहा है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं हूं ललित वर्मा। मेरे शीघ्र स्वार्थ लाभ की कामना करेंगे, बहुत बड़ी बात ये राजेंद्र राठौड़ साहब अगर कामना करें मेरे शीघ्र स्वार्थ लाभ की, ये तो मेरा हक बनता है इनकी कामना को स्वीकार करने का, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में नेता प्रतिपक्ष तो घर आना चाहिए था पूछने के लिए कि भाई क्या हो गया, कान लग गई। अगर आप घर आते तो आपकी हाइट बढ़ जाती कि भाई हाँ ये कुछ डेमोक्रेसी की नॉर्म्स एडोप्ट कर रहे आप, उसकी बजाय आप और आपकी पार्टी नेताओं ने इसकी मजाक उड़ा दी, कीले लग गई है और नाटक कर रहे चीफ मिनिस्टर। बताइए आप, अरे मेरे दोनों अंगूठे में, एक अंगूठे में इसमें नाखून, राठौड़ साहब इसमें तो राठौड़ साहब पूरा नाखून बाहर आ गया। सुनिए आप, इसमें आगे नाखून पूरा बाहर आ गया, ठीक है, और फ्रैक्चर हो गया हेडलाइन का। इसमें नाखून तो बाहर नहीं आया, इसमें तीन टुकड़े हो गए हैं, तीन टुकड़े हो गए हैं। अभी भी आप आश्चर्य कर रहे हो, आश्चर्य कौन सा वाला कर रहे हो, सच्चे वाला कर रहे हो या आर्टिफिशियल कर रहे हो? क्योंकि मैं जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ आपकी, आपका चेहरा पढ़ रहा हूँ मैं, डाउट हो रहा है कि इसमें भी आप डाउट कर रहे हो क्या? आप आइए घर पे, आपको चाय बनाऊंगा। मेरी एक शिकायत आपसे है, आज मैं पूरी कर देता हूँ वो भी। ये मेरे घर पे आए इस बार, अपने भतीजे की शादी थी, कार्ड देने आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी ड्यूटी है जी, उस पर तो नेता प्रतिपक्ष थे नहीं है, तो मैंने कहा भाई राजेंद्र राठौड़ साहब आए तो घर पर, मैंने कहा भाई कुछ नाश्ता वगैरह बनवाओ, चाय साथ पियेंगे, गपशप कर लेंगे। ये भाई जो है कुछ छिपके आया हो जैसे, वो ढंग जाए और आगे क्या किया, मैं कार्ड पढ़ूँ, दूल्हा दुल्हन के नाम पढ़ूँ, डिस्कस करूँ भाई कहाँ संबंध किया कहाँ नहीं किया, पूरी और नमस्कार साहब, और भाग गए। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने भी क्या किया, ये हमारे सब नेता के शादी के अंदर मैं नहीं गया, मैं शादी में नहीं गया, शादी में सिर्फ इसलिए क्योंकि राठौड़ साहब आए क्यों थे और जिस रूप में आके इन्वाइट किया गया, मैं समझता हूँ कि एक को इन्विटेशन होगा क्या, तो मैं गई नहीं हुआ शादी के अंदर, वरना मैं भी आपकी शोभा बढ़ा था। अगर मुख्यमंत्री आता जाता वहाँ पे तो आपके दूल्हा दुल्हन थे, आपके भतीजे भतीजे भी थे, उनकी खुशी होती भी हमारे मुख्यमंत्री आए, क्यों आए,
क्योंकि हमारे अंकल जो है वो बड़े नेता राजस्थान के हैं, आपका भी सम्मान बढ़ता पूरा परिवार के अंदर, आपने उसमें आप चूक गए हो सकते हैं, चूक गया। इसलिए लंबी बात नहीं करता हूँ, बहुत खुशी की बात है, शानदार। मैंने 6 महीने पहले देख लिए थे फ्लैट, बहुत शानदार फ्लैट बने। ये सब सुख संकेत है, ये कांग्रेस सरकार के रिपीट होने के शुभ संकेत का कड़ी में ये काम भी हुआ है। आज ये कह सकते हर काम ठीक ढंग से हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने तो मजाक उड़ा दी, मान लो कोई बात, मैं उसको देता हूँ मजाक में, पर ये भी मैं समझता हूँ कि शुभ संकेत है, लगना भी। अगर ये लग जाते एक महीना पहले लगता, मेरा कैंपेन का वक्त लगता तो क्या होता, 4-5 महीने पहले निपट गया मैं, आराम जमकर कैंपेन करूँगा आपके खिलाफ मैं। आप बताइए, अगर ये लगती चुनाव कैंपेन में लग जाता तो क्या होता बताओ। तो जो होता है वो ठीक ही होता है, उसी रूप में देता हूँ, इसलिए माइंड नहीं करता हूँ आपकी बातों का।